हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन। आज की वीडियो आप सभी के डिमांड के ऊपर मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा बेस्ट यूट्यूब चैनल्स के बारे में, क्योंकि आपके बिहार पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्ज़ाम को प्रिपरेशंस के लिए और स्टडी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा इसी टॉपिक के बारे में और कुछ अपना ओपिनियन भी दूंगा कि क्या हमें यूट्यूब से तैयारी करना अपने सेमेस्टर के लिए सही भी होगा या फिर नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने इस पहले टॉपिक कि कौन कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो हमें सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारे चैनल को देखा जो कि पॉलीटेक्निक की तैयारी कराते हैं। ध्यान से सुनना, पॉलीटेक्निक की तैयारी कराते हैं। यहाँ पे कुछ ये क्राइटेरिया मतलब नहीं था कि किस स्टेट का कराते हैं, बिहार का, यूपी का, झारखंड का। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट किया है जो कि पॉलीटेक्निक के, यहाँ पे बिहार पॉलीटेक्निक के भी होंगे, तो बेसिकली बिहार पॉलीटेक्निक वाले ही हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आई होप कि आपको समझ में भी आएगा और लास्ट में मैं आपको ओपिनियन दूंगा अपना कि क्या सही रहेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले वाले वीडियो में कैलकुलेटर के बारे में बताया था और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चलिए आपको बताते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो इसी टॉपिक पर आएगी। तो हमारे यहाँ पर कुछ 6 करीब में चैनल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, खासकर बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए। जब भी आप सर्च करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक तो इनका नाम जो है और इनकी वीडियोज़ टॉप रैंक में आती है। तो शुरुआत करेंगे सबसे निचले स्तर पर, जो यहाँ सबसे नीचे कौन सा है उस पर बात करेंगे। तो जो सबसे जो नीचे है उसमें हमारा चैनल आता है शर्मा जी एजुकेशन। शर्मा जी एजुकेशन में आपको लाइव, यानी जो भी आप कमेंट करते हो, यानी बिहार पॉलिटेक्निक के प्रिपरेशन, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की हो या सेमेस्टर एग्ज़ाम की हो, आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं और आगे भी आते रहेंगी। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, ज़रूर से जुड़ें। और हमारा चैनल आता है सबसे नीचे स्तर पर, और भी मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, आगे देखते हैं। बट यहाँ पर बात हो रही है स्टडी मटेरियल की, प्रिपरेशन की, तो वहाँ पे हमारा चैनल नीचे आता है। अगर बात करते हैं टिप्स और ट्रिक्स की तो यहाँ पे हमारा चैनल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। उससे ऊपर बढ़ते हैं, हमारे बात करते हैं उससे ऊपर वाले स्तर पर, तो यहाँ पे आती है हमारा टेक्निकल क्रांति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टेक्निकल क्रांति एक यूट्यूब चैनल है और बेसिकली टेक्नोलॉजी का नहीं है ये, इसमें इनका नाम है टेक्निकल क्रांति, नाम रखा है इन्होंने, और कुणाल जी इसको ऑपरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के छात्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उनका जो चैनल है मैंने इसमें इसलिए शामिल किया क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए सेमेस्टर के जितने भी होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत सारे उन्होंने नोट्स दे रखा है मैंने देखा, और ये नोट्स आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, यानी सभी सेमेस्टर में काम आएंगे। आप उनके वीडियोज़ को ज़रूर देखें, खासकर यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो जरूर जाकर देखिएगा। उससे ऊपर स्तर बढ़ेंगे तो हमारा एक, मतलब हमारा चैनल नहीं है वो है यूपी पॉलिटेक्निक की तरफ से आने वाला, मतलब पांडे जी टेक्निकल का नाम है उनका। और दोस्तों, जो सिलेबस है बिहार पॉलिटेक्निक का, यूपी पॉलिटेक्निक का, थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता है, तो वहाँ पर भी आप हेल्प ले सकते हैं आप पांडे जी टेक्निकल से। बेसिकली ये भी जो है वो स्टडी एजुकेशनल चैनल ही है, बट नाम है वहाँ पर टेक्निकल। तो इनका जो है ना उससे ऊपर आता है। उससे ऊपर बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर और भी बहुत सारे चैनल हैं, मैं उन सभी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे पता है कि आप उसका जरूर कमेंट कीजिएगा ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, बट मेरे स्तर से मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना आप, मेरे स्तर से कोई बेस्ट नहीं है, सभी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये पढ़ लो ये इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लो वो इम्पोर्टेंट है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। देखिए दोस्तों, बात की जाए ना अगर वन लीनियर की, तो वन लीनियर मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हो। वो जो छोटे छोटे पार्ट्स में देते हैं ना, मैं बहुत ही बड़ा बड़ा पार्ट्स में दे रखा हूँ, आप चाहे तो एक बार में पूरा पढ़ लो, लेकिन दोस्तों उसे कुछ होने वाला नहीं है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हो। स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा बहुत किया करता था, बट मैंने देखा कि उससे कोई फ़ायदा है नहीं। उससे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उसके ऊपर आता है हमारा H2O स्टडी, ये भी एक बहुत ही बढ़िया चैनल है और
इन्होंने बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए हैं अपने चैनल पर, खासकर बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए। तो इनका चैनल भी दोस्तों आप देख सकते हैं। सभी चैनल का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बढ़ते हैं सबसे ऊपर, जो कि हमारा चैनल है नयन क्लासेस। दोस्तों नयन क्लासेस का जो व्यूज़ है ना बहुत ही ज़्यादा आता है। अगर बात की जाए बिहार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ ले आते हैं। और इनकी जो जानकारी होती है वो अपडेटेड रहते हैं, स्टूडेंट के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं। बट इनका मैंने देखा कि स्टडी मटेरियल तो नहीं है, ज़्यादातर ये वैसी चीज़ें ही बता रहे हैं जो मैं बताता हूँ, और टिप्स और ट्रिक्स या कैसे एंट्रेंस एग्जाम को निकालेंगे, कैसे तैयारी करेंगे वगैरह वगैरह। इससे भी ऊपर एक चैनल है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये है हमारा बिहार पॉलिटेक्निक का पूरे और पूरे यूट्यूब पर पहला चैनल, जो कि बहुत ही बढ़िया है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, प्रिपरेशंस के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो है अभिनव सर का क्लास। दोस्तों इसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम 8 PM करके, और ये आता है हमारे टॉप 1 में। दोस्तों इसको मैंने टॉप 1 में क्यों रखा है, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एंट्रेंस से जुड़ी सभी जानकारी आपको देखने को मिलती है, सभी स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चैनल जो है अभिनव सर का, वो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। जब मैं भी पॉलिटेक्निक करता था, इनके वीडियोस को मैं देखता था 6th सेमेस्टर में, इन्होंने बात उठाई थी कि जब लॉकडाउन था उस समय एग्जामिनेशन नहीं लेने की, मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस को देखा। एग्जाम से अपडेटेड न्यूज़ हमेशा देते हैं बच्चों को, हमेशा अपडेट रखते हैं बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए, बहुत ही खास और टॉप चैनल दोस्तों हैं। आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारे इस लिस्ट में टॉप पे आते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम 8 PM अभिनव सर का क्लास। थैंक यू सो मच सर के आपने बिहार पॉलिटेक्निक वालों को इतना मदद करते हैं। अभी भी उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब रहती है जैसा कि वो हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम जो है बहुत ही लगन से करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आप अभी भी ये काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो जितना भी चैनल दोस्तों है सबका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये थी लिस्ट जो कि बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए बेहतर चैनल है। इसके अलावा मैं किसी चैनल मानता नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अब बात करते हैं अपने ओपिनियन की दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है कि यदि आप इन सभी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हो, जितना मैंने आपको चैनल का नाम बताया, और सभी के एनालिटिक्स करके आप पढ़ाई करते हो, तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन यदि आप इनमें से किसी चैनल को छोड़ देते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हो, कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, अपना जो भी नोट्स वगैरह बना रहे हो, तब भी आप कर सकते हो। लेकिन मेरी रिकमेंड ये रहेगी, आप इन जितने चैनल का मैंने नाम बताया, आप उनसे जुड़े, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और एनालिसिस करें। मेन चीज़ है एनालिसिस करना। जो मैं बात बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपको पसंद ही आएगी, बहुत सारे लोग डिसलाइक मार के चले जाते हैं। तो यार पहले समझो मैं बोल क्या रहा हूँ और पूरी बातों को सुनो। पिछले वाले वीडियो में मैंने कैलकुलेटर को बताया था कि कैलकुलेटर को आप एग्ज़ाम में भी ले जा सकते हैं। अब उसी वीडियो में कमेंट आ रहा है कि क्या हम एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। अब एक गधा आदमी हो क्या साहब, मतलब पूरा वीडियो देखते भी नहीं और क्वेश्चन कर दिए कि क्या हम इस एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। अरे पहले वीडियो तो देख लो पूरा। तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। पूरा वीडियो में मैं आपको जितने भी ज़रूरतमंद सवाल है मैं आपको उसमें ज़रूर से बता दूंगा, उसका आंसर जो उस वीडियो में ज़रूर से दे दूंगा। और भी कोई सुझाव है तो ज़रूर से नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन सभी चैनल्स को आप ज़रूर से ज्वाइन करें। मेरा ओपिनियन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि घर पे पढ़ें। यदि आप कॉलेज क्लास नहीं जा सकते हैं, वैसे भी आप कॉलेज में जाएंगे तो फेल होना ही होना है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई वढ़ाई लिखाई होने वाली है नहीं, और झूठ मूठ का वो असाइनमेंट बनाना ये फलाना डिमका तो गड़बड़ हो जाएगा। तो घर पे पढ़ो, असाइनमेंट्स को पहले बनाकर रखो, एग्ज़ाम की तैयारी करो। जब एग्ज़ाम आते हैं ना उसी समय असाइनमेंट मांगे जाते हैं, उसी समय लैब मैनुअल मांगे जाते हैं, तो क्यों ना हम पहले से तैयारी कर लें, उस चीज़ को पहले से बनाकर रख लें, ताकि हमको बाद में एग्ज़ाम जब आए तो उसके एक महीना पहले हमको समय मिल जाए कि हाँ हम इन सभी चीज़ों का तैयारी कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम आ गया, असाइनमेंट दे दो, लैब मैनुअल दे दो, ड्राइंग शीट बनाकर दे दो, तो अब उस चीज़ को बनाने में 20 दिन व्यस्त, अब बनाते रहो, दिन भर लगे रहो, काम हो रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। फिर जब एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो दिन कम पड़ जाएगा, सब घोर मट्ठा हो जाएगा। तो मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि सभी चैनल्स को जाकर के देखो, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके विषय पर आपको नहीं पता है। यदि आपके कोई क्वेश्चंस होगा तो जाकर के आप जरूर वीडियो को देखना, हो सकता है आपका क्वेश्चन उनके वीडियो में देखने को मिल जाए। अभिनव सर का जो क्लास है वो जरूर से करना, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दोस्तों।
और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना। दोस्तों मैं कैलकुलेटर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, पूरा सीरीज जरूर से देखना। मैंने इंट्रो बता दिया है कि क्या होता है कैलकुलेटर, कैसे इसका यूज़ करते हैं, कौन कौन से कैलकुलेटर हैं हमारे पास, उस सभी का मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से बेसिक बेसिक फंक्शंस है और कौन सा कैलकुलेटर आपको लेना चाहिए। तो जरूर से जाकर वो वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने बात किया आपसे बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर और इंट्रेंस एग्जाम। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए आप इजाजत। नमस्कार।